अभी रहा हमारे वनस्पति माँ का मंदिर, और हमको बस यही आशीर्वाद दे माँ कि हम आगे बढ़े और हमारे भैया लोग जितने भी यहाँ आते हैं परिश्रम करने, वो हमारे देश के लिए लड़े और कुछ करके दिखाएं। हम नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पे वीडियो क्या शूट कर रहा है। नहीं भाई, मैं यहाँ पे शूट नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा था शूट करने, लेकिन क्या करूँ, ये दादी माँ का थोड़ा सा खपड़ेला का वो घर है ना, तो वही हट गया था। वहाँ देख सकते हैं वो घर हट गया है, तो उसको बनाना है, और तो बना के आपको वीडियो में मिलते हैं। और तब तक बने रहें हमारे वीडियो में, और अंत तक ज़रूर देखें कि हम आज कहीं जा रहे हैं। देख तो दोस्तों देख सकते हैं, अभी हम पाए नहीं कहाँ पे है, चलें ट्राई करते हैं। अंत में थोड़ा सा दिक्कत तो हुई है, लेकिन बन ही गया है, देख सकते हैं आप। और मुझको लगता है कि अब पानी आएगी और बारिश नहीं होगी, तो आप लोग को भी ऐसा ही लगता होगा, ऐसा ही होगा। और मेहनत तो किए हैं, देख सकते हैं पसीना कितना ये। तो वीडियो की ओर चलते हैं। हाँ तो गाइस चल चुके हैं, वो पीछे वाला वहाँ पे मेरा घर है और मेरे चाचा का भी घर है, तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो गाइस देख सकते हैं कि हम पुलिया पे आ चुके हैं, मतलब ये उस जाने वाले रास्ता है पुलिया, और ये नदी रहा, और देख सकते हैं नदी का पानी भी, देख सकते हैं हमारे भैया लोग जा रहे हैं वनशक्ति पे दौड़ने, और मैं आपको लेके चल रहा हूँ उस जगह जहाँ पे भैया लोग हमारे परिश्रम करते हैं और भर्ती देखते हैं। हमारे भैया लोग तीन चार साल से भर्ती देख रहे हैं, लेकिन भर्ती निकल नहीं पा रही है, और तो चलते हैं वनशक्ति, वहाँ पर देख सकते हैं देख सकते हैं। ये रहा वनशक्ति माँ का पूरा पहाड़, और वहाँ पे देख सकते हो वो जो छोटा सा घर दिख रहा है उसके उस बगल ही वनशक्ति माँ का मंदिर है, और तो आपको दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं इतना सुंदर लग रहा है ये नज़ारा। और वहाँ पे हमारे भैया लोग जा रहे हैं, और वहीं पे ग्राउंड है एक जहाँ पे आर्मी की तैयारी करते हैं हमारे भैया लोग। तो गाइस देख सकते हैं वहाँ उस जगह पे पीछे ग्राउंड है, मतलब वहीं पे पहाड़ के पीछे ग्राउंड है, और ग्राउंड पे हमारे भैया लोग आर्मी की तैयारी भी करते हैं, और शायद आर्मी की वो भर्ती आ चुकी है, और वहाँ पे हमारे भैया भर्ती के लिए अप्लाई कर चुके हैं, इसलिए प्रतिदिन आते हैं और दौड़ने जाते हैं। तो चलते हैं ग्राउंड की ओर। बस गाइस हम पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी दूर पे है वो पहाड़ का रास्ता, और हम पहुंचने भी वाले हैं। तो बस वीडियो पे ऐसे ही बने रहें और देखें, देख सकते हैं आप सब। और ये हमारे भैया लोग जा रहे हैं, और ये जो पीछे है बहुत बड़ा तालाब है, यहाँ पे नहाने बहुत मज़ा आता है, गड्ढे भी हैं, तो आइए कभी आइए तो नहाए आप सभी को, और आगे चलते हैं। गाइस देख सकते हैं ये पहाड़ के ऊपर से पानी आ रहा है, और जो कि ये अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं। और ये हमारे भैया लोग चढ़ रहे हैं, वो हम भी पीछे पीछे चढ़ने वाले हैं, और बस आप लोग ऐसे हमें फॉलो करते रहे बस। तो देख सकते हैं आप, अभी हम भी चढ़ने वाले ही हैं और भैया लोग चढ़ रहे हैं, देख सकते हैं आप सभी। यहाँ पे पैर छूने का हो रहा है, और देख सकते हैं आप लोग, भैया लोग वहाँ पीछे बहुत आगे निकल चुके हैं, और हम लोग पीछे, ये एक झोपड़ी भी है, और यहाँ पे
देख सकते हैं आप सब, ये पेड़ है और भैया लोग आगे ही चढ़ रहे हैं, तो हम भी चढ़ रहे हैं पीछे पीछे। और बहुत ऊंचाई भी है, ये गड्ढा है। आपको इतना अच्छा लग रहा है वो आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा, और अपने भाइयों को ऐसे ही प्यार देते रहिए, हमारे वीडियो को देख कर जाइए। और मैं आपको और कुछ दिखाने वाला हूँ और जो कि वीडियो में आप पूरा देखेंगे, तो भाई को बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो चलते हैं आगे वीडियो की ओर, मैं जहाँ हर एक बच्चे भी आके और बूढ़े भी आके अपने अपने आराध्य को उनके पैर में समर्पण करते हैं। और ये रहा कृपया धर्मशाला, जो कि हमारे भैया लोग के द्वारा ही निर्मित किया गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मनुष्य आके कचरा फैला के चले जाते थे, तो जो बहुत बेकार लगता था। तो हमारे भैया लोग ने अपने मेहनत से अपने पैसा से ये धर्मशाला तैयार करवाया, ताकि यहाँ पे सब आए और पिकनिक जो मनाना, कीर्तन भी मनाना है, यहाँ मना के अपना कचरा उचड़ा फेंक फाँक के तब जाएं। और देख सकते हैं ये माँ के दर्शन के लिए रास्ता है गुफा की तरह, और ये रहा है पेड़ फूल का। तो आगे की वीडियो की तरह चलते हैं, तो होता है हमारे वनशक्ति माँ का द्वार, जो कि भैया लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से जय माँ वनशक्ति देवी लिखे हुए हैं। और वो हमारे माँ का मंदिर है, और यहाँ पे देख सकते हैं हर 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 करते हुए पानी कितनी अच्छे से झील की ओर जा रहा है, यहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा है। और देख सकते हैं आप सभी, और ये जो पानी का झील है वो नीचे के तालाब की ओर जाता हुआ दिख रहा होगा। माँ के दर्शन, जय माँ वनशक्ति, एक बार बोलिए जय माँ वनशक्ति। और देख सकते हैं ये हमारे माँ के आशीर्वाद से ये झील कितनी अच्छी लग रही है, ये जो है ना शुद्ध पानी है। और यहाँ पे हमारे भैया लोग और हम सब यहाँ पे पानी पीने आते हैं, देख सकते हैं आप सभी। और ये शंकर जी का एक छोटा सा मंदिर है, और ये हमारे वनशक्ति माँ की माँ का मंदिर है, जो देख सकते हैं। और वो रहा झील, और झील की इस तरफ है गुफा, और गुफा की ओर यार हम अकेले जाते नहीं, भैया लोग रहते हैं साथ में तभी जाना पड़ता है। तो चलते हैं पहले माँ का दर्शन कर लेते हैं, जय माँ वनशक्ति, अंदर की ओर चलते हैं। पहले हाथ मुंह को थोड़ा सा देख सकते हैं हमारी माँ का मंदिर। जब यहाँ पे बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे बरसता है, और बरसने के बाद वजह से ये पानी एकदम फूल गिरता है और अति सुंदर। आपको वो भी वीडियो कहीं कभी भी दिखाएंगे। आज मैं संडे था इसलिए यहाँ पे आया, और माँ का दर्शन भी हो गया आप लोग की वजह से। और ये रहा हमारा प्यारा सा झील, जो कि कितने अच्छे से ऊपर से पानी से गिर रहा है, वो देख सकते हैं आप सभी। पूरे चारों तरफ का नज़ारा आपको हम दिखला रहे हैं, तो देख सकते हैं वहाँ पे हमारे भैया लोग का साइकिल पर खड़ी है। तो चलते हैं, हम माँ का दर्शन तो कर चुके हैं, और चलते हैं ग्राउंड की ओर जहाँ हमारे भैया परिश्रम कर रहे हैं। अब ये रहा हमारे वनशक्ति माँ का मंदिर, और हमको बस यही आशीर्वाद दें माँ कि हम आगे बढ़ें, और हमारे भैया लोग जितने भी यहाँ आते हैं परिश्रम करने, वो हमारे देश के लिए लड़ें
और कुछ करके दिखाएं। हमारा यही दुआ है और माँ से यही दुआ लेना चाहता हूँ। और आप तो सब भी यही हमारे माँ से विनती करिए और यहाँ पे पहले माँ को थोड़ा दर्शन कर ले। तो आगे की ओर चलते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, और बाद में बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरा हर एक वीडियो आपके पास जाना चाहिए। और तो आप बेल आइकन सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमको आशीर्वाद देते रहें। तो बाय बाय, सी यू, और आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। और हमारा से पहले वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर लीजिए। तो जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल, जय आदाब।